मैं लगभग 30 साल से खेती में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी खुद की 15 एकड़ जमीन है और 85 किले मैं ठेके पर लेकर खेती कर रहा हूँ। आजकल गवर्नमेंट कह रही है कि पराली में आग मत लगाओ। हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, आप 10 लाख का सामान लो आपको 8 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। तो थोड़ा सा महसूस हुआ भी 2 लाख में तो ये लोहा बिक ही जाएगा, 2 लाख का सामान मिल रहा है। मैंने 5-4 किसानों की गोष्ठियाँ अटेंड की, ADO वगैरह या DDA वगैरह सब कहते थे कि आप मिट्टी की परत बदलो, 9 इंच 8 इंच रोटेट करो मिट्टी को, जिससे आपकी यील्ड ज़्यादा हो सके, आपको इनकम ज़्यादा हो सके, खर्चा कम से कम हो। तो मैंने लेमकेन वाले अफसर से बात की तो कहने लगे कि ये पराली भी जो है रोटेट कर देगा, मिट्टी आपकी ऊपर आ जाएगी और पराली नीचे चली जाएगी, इससे भी आपकी यील्ड में फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने वो लेमकेन का प्लो लिया है 2019 में, जिससे मेरे को बहुत बढ़िया से भी बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। जब लेमकेन का यूज किया तो मेरे पहले साल ही 2 लाख रुपये ऑटोमेटिक ही पूरे हो गए। 5 एकड़ तो मेरी गेहूं बच गई, जो मेरी गेहूं 40,000 रुपये पर एकड़ निकलती है, मेरी 5 एकड़ गेहूं बारिश के मौसम में ख़राब हो जाती थी, मेरे 2 लाख रुपये तो गेहूं से ही बच गई, क्योंकि सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, लाए तो इस वजह से थे। परंतु मेरे को पहले सीजन में मेरे आलू लगाए मैंने 10 किले, जो मेरा 240 कट्टे निकलते थे 450 कट्टे निकले मेरे। गन्ना मेरा 240 क्विंटल निकलता था, 400 क्विंटल भी निकल गया। प्लो आने के बाद सुबह प्लो मारो और शाम को आलू लगा सकते हो उस एकड़ में। 80% पराली नीचे चली जाती है प्लो चलाने से, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, यील्ड भी बढ़ेगी ऑटोमेटिक है कि उसकी आलू की यील्ड 100 बैग से ऊपर का फर्क पड़ेगा उसको कम से कम। गेहूं में 15% यील्ड आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी प्लो चलाने से आपको। नंबर दो है कि 90% जो है घास खत्म हो गया है। घास खत्म हो गया तो 90% दवाइयों को खर्चा भी कम होगा जो आप घास की दवाइयाँ करते हैं गेहूँ में। मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि लेमकेन के प्लो में खर्चा बिल्कुल भी नहीं है और घिसावट आप आकर देखो तो बिल्कुल 1% भी नहीं लगता है, मेरी भी नया है कि पुराना है, 2 साल हो गया मेरे को लिए हुए। तो इससे समय की बचत हुई है, पैसे की बचत हुई है, तेल की बचत हुई है और मशीनरी की टूट फूट भी कम हुई है। कंपनी की तरफ से मेरे को पूरी मदद मिल रही है, मेरे फ़ोन करने की देर है, वो जहाँ भी होते हैं मेरे पास तुरंत पहुँच जाते हैं। मैं संतुष्ट हूँ उस मशीनरी से। मैं तो हर किसान को आग्रह करता हूँ जो 10 किले आलू लगाता है ना, कि एक बार प्लो अपने खेत में जरूर चलाएं। जो हमारे खेत में लेयर जम गई है ना, ये तोड़ना बहुत जरूरी है उत्पादन को अधिक लेने के लिए, दवाइयों पर कंट्रोल करने के लिए और पानी का रिचार्ज के लिए।